हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड की हिंदी की तैयारी करवा रहा हूँ। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में हिंदी के 40 क्वेश्चंस आने हैं और मैं आज की वीडियो में पूरे 40 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो टेस्ट को पूरा दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस में आपको सही ब्लोम शब्द यानी कि ब्लोम शब्द का चयन करना है। तो जल्दी बताइए, आस्तिक का ब्लोम शब्द होगा क्या? कई बार मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, लगभग तीसरे चौथे सेट पेपर में ये क्वेश्चंस आ रहा है। तो जल्दी बताइए कि आस्तिक का ब्लोम शब्द क्या होगा। तो आस्तिक का ब्लोम शब्द हो जाएगा नास्तिक, यानी कि इस क्वेश्चंस का कौन सा ऑप्शंस? दूसरा ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गैड़ का ब्लोम शब्द क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जल्दी बताइए गैड़ का ब्लोम शब्द क्या होगा। तो गैड़ का ब्लोम शब्द क्या हो जाएगा? मुख, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 43 से 44 जो आपके क्वेश्चंस है, इसमें सही वर्तनी का आपको चयन करना है। श्रृंखला किस प्रकार से लिखा जाता है, जल्दी बताओ। आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपके इस प्रकार से हैं कि आसानी से देख के पता कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, श्रृंखला आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। 44 क्वेश्चन नंबर 44 में भी आपको सही वर्तनी बताना है। जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा बहिष्कार इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देख लीजिए 45 और 46, यानी कि ये दो जो क्वेश्चन है, इसमें इन दोनों क्वेश्चन में आपको अशुद्ध वर्तनी, अभी आपने शुद्ध वर्तनी बताई, अब आपको अशुद्ध यानी कि गलत वर्तनी बताना है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहे, बताइए 45 में अशुद्ध वर्तनी बताना है। देखो, महाबली आपका बिल्कुल सही लिखा, बलिदान बिल्कुल सही लिखा, और प्रतीक्षा बिल्कुल सही लिखा, परीक्षा गलत लिखा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, इसमें भी आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है। देखो, आजीविका सही है, गृहिणी सही है, रचिता बिल्कुल ठीक है, छिपकली गलत है, छुपकली लिख दिया, ये तो गलत है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 और 48 में आपको सही वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करना है, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। मार्ग में खाने के लिए भोज सामग्री, मार्ग में खाने के लिए भोज सामग्री, आप कहीं जाते हो तो खाना वाना ले जाते हो साथ में, तो उस भोज सामग्री को क्या कहते हैं, पता क्या कहते हैं? पाथ्य, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट, और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी प्रस्ताव का समर्थन करना, किसी प्रस्ताव का समर्थन करना, किसी प्रस्ताव का समर्थन करना वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनुमोदन, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 से 52, यानी कि तीन क्वेश्चन हैं, किसी शब्द के चार विकल्प दिए हैं, इनमें से तत्सम शब्द आपको बताना है कि कौन सा तत्सम है। 49 में क्वेश्चन देखिए, और 49 में आपको तत्सम शब्द को चयन करना है कि तत्सम शब्द कौन सा होगा 49 में। तो देख लीजिए, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुहा जो है वो एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने 50 वाला, जल्दी बताइए, चतवारी, ये भी आपका एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चंस 51, तत्सम शब्द बताना है, 51 में भी तत्सम शब्द बताना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? त्रिगुण, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है, यानी कि तुलनात्मक विशेषण बताना है, और वो भी अशुद्ध है। कोमल, कोमलतर, कोमलतम या कोमलता? तो देखो, कोमल ठीक है, कोमलतम बिल्कुल ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका कोमलता भी बिल्कुल ठीक है, ये गलत है, कोमलतर, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 53 से 54 जो आपके क्वेश्चंस हैं, इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। माधुरी गुणवान नायिका है, ये आपका बिल्कुल हो सकता सही हो। वह भागवती स्त्री है, वे भगवान पुरुष हैं, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, माधुरी गुणवान नायिका है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट, इसमें ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने 54, जल्दी बताइए 54 में सही आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्राची बहुत
चंचला है, ये गलत है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। 55 से 57 आपको कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा वो आपको बताना है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है। आश्चर्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, आश्चर्य का देखो अचरज होगा, विस्मय होगा, कौतुक होगा, रोमांच नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, कौन सा दूसरा। इंद्र का कौन सा पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। इंद्र का देवराज है, देवेश है, सुरपति है, मधवा नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईर्ष्या का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ईर्ष्या का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। स्पर्धा जो है ये ईर्ष्या का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं प्रत्यय कहाँ होता है, अंत में लगा होता है प्रत्यय, कितने बार मैंने आपको बताया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैं सो चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, समान भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आसन्न भूत, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाचक शब्द के द्वारा जो मुख अर्थ प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, मूलार्थ कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। खेलना ये क्रियार्थक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है, विदेशी आसानी से बता सकते हैं, बहुत सिंपल है, अलमारी जो आपका शब्द है ना ये एक विदेशी शब्द है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। बहुत क्रोधित होना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। आंखें तरसना, आग में घी डालना, खून का घूंट पीकर रह जाना या आग बबूला होना। बहुत क्रोधित होने का सही अर्थ हो जाएगा आग बबूला होना, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। पंचरत्न के रचनाकार कौन है, पंचरत्न के रचनाकार कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगा होता है, अभी हाल ही आपने उस क्वेश्चन को किया है, तो सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, आर प्रत्यय, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा प्रत्यय, आर प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मांगना, विस्तार करना, देना या लेना। हाथ पसारना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा मांगना, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। सम्मति का संधि विच्छेद क्या होगा, आधा मा जो है आधा ता में कन्वर्ट हो जाता है, बताया था मैंने, सत्य प्लस मति, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्करण में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है, संस्करण में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आप बता सकते हैं संस्करण में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगे होते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है बताइए, चार वाक्य आपके सामने है, चारों को इत्मीनान से पढ़िए और आंसर दीजिए। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, पहला ही वाक्य मुझे शुद्ध लग रहा है, बाकी के तीन और पढ़ लीजिए। फिलहाल तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अज का शाब्दिक अर्थ क्या है, अज बकरी, भेड़, अजन्मा या ये सभी। अज का शाब्दिक अर्थ जो है ये सभी होते हैं, बकरा भी होता है, भेड़ भी होता है, अजन्मा भी होता है। 71 से 75 तक आपका काम है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। तो देखो ये गद्यांश मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, ये देख लीजिए, धीरे धीरे मैं आगे पढ़ाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। ये पूरा आपका गद्यांश चल रहा है, ठीक है, और भी है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ, देख लीजिए, ये पूरा गद्यांश है। इस गद्यांश के आधार पर आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देना है, ये समझ लीजिए, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, समझ रहे हैं। तो देखो 71वें क्वेश्चन का आंसर देना है, 72वें क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, 73वें क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, 74वें क्वेश्चन का आंसर देना है और लास्ट 75वें क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। अब मैं आपको 76वां करवा रहा हूँ, मेरे बचपन की स्मृति के रचनाकार कौन है, मेरे बचपन की स्मृतियाँ इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे जो है
ये जो शब्द है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? ये एक उत्तम पुरुष है, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। दासत्व में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? दासत्व में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका त्वा प्रत्यय। कौन सा? त्वा प्रत्यय। 79, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आसानी से बता सकते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन से आपका, कि अधरों पर अली मडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है आपका भ्रांतिमान अलंकार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड और यूपी जेल वार्डर दोनों ही एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।